राम राम सा खमागणी जय श्री कृष्णा। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 236 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सर, डाक साहब रमेश से कहवे एक पेन कटे। तो रमेश बोलियो जेब रमेश ने। तो डॉक्टर साहब बोले अरे डोपा, पेन रो मतलब दर्द कटे। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। एक राजा ने एक ज्योतिष को बुलाया और बुलाते ही जेल में डाल दिया। तो ज्योतिष बोला मेरा गुनाह क्या है? तो राजा बोलियो ऐज के अगर थने थारो भविष्य ठा है तो तू अटे तक पहुंचते ही नहीं। रमेश से कहे मैं थाने मैसेज करियो और तू मार नंबर ब्लॉक कर दियो। अगर मैं थाने चिट्ठी भेजता हूँ तो तू कहीं करती? तो रमेश से गर्लफ्रेंड कहे मैं थारे कबूतरी मार देती। मोरे टाइम एनी पिताजी की नहीं फादर डे रा मोहताज नहीं था। जद भी मन में आती जूतो उठान याद दिला देता हूँ मैं थारो बाप हूँ। मैडम बोले कि बताओ ताजमहल कहाँ है? तो परवीन बोलियो आगरा रमीने है। तो मैडम बोले गलत, पाली में है। बच्चे हैंग कवर होचुन लाग गया। सब अपने घरे गया और माँ बाप ने बताया। अगले दिन सब घरवाला भेड़ा और मैडम ने शिकायत लेने आई गया और बोलिया कि गलत क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैडम बोली महोदय जी, आपको पहले तो पिछले साल की फीस जमा करानी होगी और अगर फीस जमा नहीं होगी जब तक तो ताजमहल पाली में ही रहेगा। आजकल लोग तो हसुन में भी कंजूसी करे। अरे राक्षसों की तो हीक लो, सर और धड़ अलग ऑर्डर बाद में भी हंसता रहता। देखो सर, रमेश से कहने बिना हुसरो जी ने फोन आयो और हुसरो जी बोले अरे कंवर साहब कई हाल है, कई कर रहे हो? तो रमेश जी बोले फलका एक रियो आवरा थे जीव लो, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है तो थोर पड़ोसी यानी विनर कन जवाब रवि ने हैं ठा रहे हुए। पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। तो पत्नी बोली हमारे गांव में 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लाए थे। तो पति बोलियो अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते पगली। एक लुगई कहे तुम्हारी बहू कैसी है? तो दुजोड़ी बोली बहू तो बहुत ही बुरी है, रोज लेट उठती है, मेरा बेटा उसके लिए चाय बनाता है और घर रहता कोई काम ही नहीं करे, और जब देखो जब मेरे बेटे को बोलती है मुझे बाहर खाना खिलाओ। और तो पहली महिला बोली और दामाद जी? तो दूजोड़ी लुगई बोली दामाद जी तो फरिश्ता है, रोज सुबह मारी बेटी ने चाय बनान पिलावे, उन्हें कोई घर का काम ही नहीं करन दे और रोज मारी बेटी ने बारह जिम उन्हें ले जावे, ऐड़ा दमा तो एंगा ने मिले, रिश्ता तो वही पर सोच नहीं। रोहित शर्मा के 264 रनों को सिर्फ सरसों के तेल से खतरा है जो कि नाबाद 224 रन पर पहुंच चुका है। जब गाड़ी में स्टेपनी जरूरी होती है तो जीवन की गाड़ी में स्टेपनी होना जरूरी है कि नहीं? ज्ञानी पति सलाह दे और पत्नी वर्ता मुद्दे से दूर रहे। और इसमें पड़ोसन तो साइलेंट है। आंटी बोले अरे वाह बेटा तुम तो कितने बड़े हो गए। तो रमेश जी बोले कई करता आंटी जी, दूजे तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। पुलिस और पत्नी की राशि एक ही होती है, पुलिस रिमांड से मारती है और पत्नी डिमांड से। देखो सर, मैं गाँव रमेन क्रिकेट रमता के तो उन टाइम एम्पायर बनना कोई आसान काम नहीं है, तो हर डिसीजन में तो मारे ओगन खावनी पड़ती। पंचर भी पहले 20 रुपए में बनता था, 50-60 रुपए में बन रहा है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही सवाल पूछते हो, पंचर पे क्यों नहीं पूछता है भारत? चार बाल्टी पानी लाकर कूलर में डालेंगे लेकिन एक लोटा पानी पेड़ में नहीं डालेंगे, फिर कहेंगे गर्मी बहुत है। आ नींद है नहीं, इन्हें ठाने की कर ध्यान पड़ जावे आज रविवार है, सुबह 6 बजे तो ही खुल जावे। देखो सारा रमेश ये 2 महीना पच ठेका माते गियो, ठेका वालो मार्क्स में ही पहचान गियो, बिना कहे किंगफिशर निकालन दे दी। अबे वो मार रमेश यानी ऐज सम्मान कमाया। मार रमेश कहे वो पुरानी फिल्मों के ससुर हमें क्यों नहीं मिलते? और बोलते थे ये रहा ब्लैंक चेक, दफा हो जा मेरी बेटी की जिंदगी से। हालचाल पूछने गए दो दोस्त, हॉस्पिटल से उठ के जा ही नहीं रहे थे तो पेशेंट की बीवी ने बोल ही दिया जिस नर्स के लिए आप यहाँ पे 2 घंटे से बैठे हैं उसी के लिए ये यहाँ पे 4 दिन से लेटे हैं। देखो साहब, मैं तो गर्म चाय इसलिए ठंडी कर करके पीती हूँ ताकि दिल में रहे लोग जल ना जाए। राम राम सा खमागणी जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ। ट्विंकल वैष्णव कॉमेडी चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।